हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बताने के लिए जा रही हूँ वर्ण। मेरा सब्जेक्ट है व्याकरण। व्याकरण में मैं बताने के लिए जा रही हूँ क्या, तो वर्ण। तो हम जान लेते हैं कि वर्ण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। तो वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लेटर कहते हैं। वर्ण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। और लेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। लेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लेटर कहते हैं। ये हो गया आपको कंप्लीट। अब जान लेते हैं कि वर्ण का परिभाषा क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो जान लेते हैं कि वर्ण का परिभाषा ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है, ठीक है। या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे ल हो गया, च हो गया, प हो गया, द हो गया, कुछ भी हो सकता है। इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ल लिखा हुआ है इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो टूटेगा, नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इसी में लिखा रहेगा, कल लिखा रहेगा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, तो क जोड़ ल होगा तो क्या होगा, कल होगा। जैसे हो गया कमल, क जोड़ म जोड़ ल बराबर क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। तो ये सब चीज को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो ये वर्ण नहीं होगा। लेकिन क्या हम ल को तोड़ सकते हैं, च को तोड़ सकते हैं, प को तोड़ सकते हैं, द को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। तो ये सब क्या कहलाएगा, तो वर्ण कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, तो वर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट हो गया कि वर्ण किसे कहते हैं। अब हम जान लेते हैं क्या, वर्णमाला। क्या जान लेते हैं, तो वर्णमाला। तो वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं हम अल्फाबेट बोलते हैं। वर्णमाला को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। और वर्णमाला के इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फाबेट। अब जान लेते हैं हम कि वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा क्या है। भाषा के सभी वर्णों की, भाषा के जितने भी सारे वर्ण होते हैं ना, भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। समूह मीन्स क्या हुआ, तो झुंड हुआ। समूह मीन्स क्या होता है, झुंड होता है। या तो फिर ऐसे बोल सकते हो कि समूह को हम क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगर ये आपको याद नहीं रह पाएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट में कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को जितने भी सारे समूह होगा, जैसे देखिए अभी वर्ण को बता दिए हैं कि ऊपर में ये सब क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब ये जो हो गया, कल हो गया, कमल हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, वर्ण नहीं कहलाएगा। इसी को समूह को, इसी को झुंड जो बनता है वो क्या कहलाता है, तो वर्णमाला कहलाता है। जैसे हो गया क जोड़ म जोड़ ल बराबर ये क्या हो गया, कमल। तो ये हो गया वर्ण के क्या हो गया, ये झुंड हो गया, ये एक समूह हो चुका। ये क्या हुआ, तो ये समूह है। ये क्या हुआ, समूह है, समूह है। तो ये क्या कहला गया, तो वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो गया ये क्या होगा, तो वर्णमाला कहलाता है। अब हम जान लेते हैं क्या, वर्ण को कितने भेद होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो वर्ण को दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। फर्स्ट में है स्वर्ण वर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स, और सेकेंड में है व्यंजन वर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। आपको कंप्लीट हो गया होगा। एक नंबर में जो है स्वर्ण वर्ण है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स है। और दूसरे में क्या है, व्यंजन वर्ण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 44 होती है। कितनी होती है, तो 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर्ण वर्ण की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, तो 11 होती है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, स्वर्ण वर्ण हो गया, अब जान लेते हैं व्यंजन वर्ण की संख्या, तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गई है, तो 33, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।